अक्सर हम लोग चोर पुलिस की कहानियां सुनते हुए आए हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कैसे जाल बिछाया, कितनी बहादुरी दिखाई। लेकिन मुंबई पुलिस ने चूहों से करीब 5 लाख रुपए की लागत का सोना बरामद किया है। यह घटना मुंबई के गोरे गांव की है। लेकिन ये निंडोस पुलिस होगा, मैं हजार सलाम करेगा, उनके सामने कुछ भी नहीं। आज मैं जिंदा रह रही हूँ उन लोगों की वजह से। तो साइड में भी और भिखारी लोग को बैठ गया ना, उन लोग को चलो अपन तो बैंक जा रहे हैं, ये लेके किधर जाओ, उन लोग को देगा तो खा लेंगे बच्चे लोग करके। वो बच्चे को मैं दे दिया, उसके अंदर मेरा सोने का पर्स था, 10 तोले का सोने का पर्स था, वो अंदर चले गया। 2 मिनट में बस भी आ गया, मैं बस में बैठ गई, टिकट भी कट लिया। टिकट कटने के बाद तो मुझे याद आया मेरा पर्स किधर है, तभी वड़ा पाव के अंदर गया करके मैं वापस तोड़ के आ रहा तो वो लोग नहीं है, वहाँ से निकल गया। माँ बेटा दोनों वहाँ से निकल गया। मैं तुरंत डिंडो से पुलिस में कंप्लेंट कराया, वो लोग बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, बहुत अच्छा काम किया। इतना स्पीड काम करके हमको आज मैंने मेरा जान भी बचा दिया, मेरे सोने को भी बचा दिया। उन लोग के लिए हजार हजार के करोड़ सलाम करेगा तभी उनके सामने कुछ भी नहीं है। भीख मांगने वाले बच्चों ने वड़ा पाव को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाला। वड़ा पाव और गहने का बैग कचरे के ढेर से चूहे खींच ले गए थे। निरीक्षण करने के बाद ऐसा दिख गया कि वह जो थैली थी वो चूहे एक गटर में लेके गए, ऐसा उसमें दिख गया। तो पुलिस ने पूरा गटर छान मारा तो वो थैली और 10 तोला सोने के गहने पुलिस को सुरक्षित मिल गए थे। दिंडोशी पुलिस ने 2 दिन की जांच के बाद सोना रिकवर किया और महिला को वापस कर दिया। मुंबई पुलिस का यह काम वाकई शानदार है। गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड से निपटने के बाद अब मुंबई पुलिस चूहों से भी चोरी किया हुआ सामान रिकवर कर सकती है।